मेरी एकेडमिक्स के बारे में क्या बताऊँ आपको मैं, आप मुझसे पूछिए। नहीं मीन्स व्हाट, क्या क्या किया आपने, मीन्स कौन से फील्ड में, कौन से फील्ड में? सर मैं एक बहुत ही एवरेज स्टूडेंट था, मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, तो ग्रेजुएशन करना तो बहुत ज़रूरी था मेरे लिए। और क्योंकि घर वालों को पहले ही पता था कि यार ये एक्टिंग वैक्टिंग में कुछ करेगा, नाच गाने का बड़ा इंटरेस्ट है, तो हमेशा से उन्होंने एक चीज़ मुझे ये कही कि ग्रेजुएशन अपनी ज़रूर कंप्लीट करना, तो कुछ भी हो, भले ही पासिंग मार्क्स ही हैं लेकिन करना। फिर बीच में फेल भी हुए एक साल, क्योंकि काम करना कॉलेज में शुरू कर चुके थे, टीवी करना फुल फ्लेजेड शुरू हो गया था। कौन सा स्टैंडर्ड था सर जहाँ फेल? मैं फर्स्ट ईयर सीनियर कॉलेज में फेल हुआ था सर, जो हमारे यहाँ तो मुंबई में तो 11th ही कॉलेज हो जाता है। हाँ, 11th से कॉलेज शुरू हो जाता है, तो 13th आप कह सकते हैं कि 13th फर्स्ट ईयर, मैं फर्स्ट ईयर सीनियर कॉलेज में जो था FYBA में जो था फेल हो गया था। तो आई वॉज एन एवरेज स्टूडेंट, बट घिस पिट के जैसे तैसे करके और घर वालों की भी बात रख ली कि चलो यार ग्रेजुएट तो बन ही गए, अगर एक्टर नहीं भी बने तो एक नौकरी तो मिल ही जाएगी किसी कॉल सेंटर वॉल सेंटर में। सर जैसे हमने देखा विधु सर तो यहाँ है नहीं, तो आई आस्क यू दिस क्वेश्चन, सर जैसे थ्री इडियट्स भी एक एजुकेशन सिस्टम के ऊपर थी और सर उसने मतलब एक चेंज लाया, तो सर ये फिल्म को आप कहाँ देखते हो? सर वो एक बहुत बड़ी फिल्म है सर, और ये सौभाग्य है कि ये उन्हीं के साथ बन रही है जिन्होंने वो भी बनाई है। और लक देखिए ना कि जो निर्माता हैं उस फिल्म के वही हैं सेम जो निर्देशक थे उस फिल्म के, उनके कारण मुझे ये फिल्म मिली है। तो मेरा नाम जो रेकमेंड किया था विधु सर को, वो राजू हिरानी जी ने ही किया। कंपैरिजन नहीं करूँगा मैं सर, क्योंकि वो दुनिया, वो दौर भी अलग था, वक्त भी अलग था, बैकग्राउंड्स भी जो दोनों फिल्मों के हैं वो अलग अलग हैं। ये जो पर्टिकुलर कहानी है ये मेरे जैसे लोगों की कहानी है, और शायद अगर मैं आपको भी उस में जोड़ूँ, हमारे जैसे लोगों की कहानी है जो मिडिल क्लास लोग हैं जिन्होंने बहुत संघर्ष किया है जीवन में। आपने ट्रेलर देखा होगा जहाँ पे वो कहते हैं कि इनका माँ बाप इनको अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा पाते हैं, जेब में पैसा नहीं रख पाते हैं, लेकिन इनके पास वो एक चीज़ है जो किसी और के पास नहीं, वो जज्बा। तो ये हमारी कहानी है, और एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के थ्रू हम इस देश के हज़ारों करोड़ों करोड़ों लोगों की कहानी बताने की हमने कोशिश की है। ख़ास तौर पे ये जो UPSC का स्ट्रक्चर है उसके ऊपर है जिक्र, जो संघर्ष वो बच्चे इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए करते हैं। और ये माना जाता है कि चाइना में एक एग्ज़ाम है, वो कौन सा एग्ज़ाम मुझे नहीं पता, एक पानी की बॉटल। अरे इट्स ओके यार पियो ना, वीडियो थोड़ी चल रहा है, फ्री में आराम से फ्री में। थैंक यू, गॉट इट। थैंक यू। चाइना में कोई एक एग्ज़ाम है, उसके बाद ये UPSC का एग्ज़ाम जो हमारा है वो सबसे कठिन होता है पूरी दुनिया में, और बहुत ही चैलेंज्ड सोशियो इकोनॉमिक सेक्टर से आते हैं बच्चे, पता है इंग्लिश मीडियम के भी हैं बच्चे, बहुत सारे बच्चे हैं जो कॉन्शियसली करना चाहते हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ देम, मैं कहूँगा 80-85% जो लोग हैं ना वो मेरी तरह लोग हैं जो बहुत ही सोशियो इकोनॉमिकली चैलेंज्ड सेक्शन से आते हैं। तो ये उनकी कहानी है सर, ये उनके जज्बे को सलाम है, ये उनके स्पिरिट को सलाम है, और उनके नेवर नेवर गिविंग अप वाला जो एटीट्यूड है ना उनका, वो उसको नमन है। एंड ये रियल लाइफ कहानी है, इट इज़ बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी, मनोज कुमार शर्मा जी की कहानी है। सर जैसे कि आपने कहा कि मनोज कुमार शर्मा जी की कहानी है, उनकी बायोपिक पे चल रहा है, आपको ये किरदार निभाने के लिए आपने जो तैयारी की, जैसे कि हम ट्रेलर में देखे वॉशरूम से लेके कपड़े, ये सब आपने किया, इसके लिए आपने क्या प्रिपरेशन की, और आपने कभी रियल लाइफ में मनोज सर से मिले हैं? जी जी बिल्कुल, मैंने बहुत वक्त बिताया उनके साथ। एक तो संडेज़ को ही उनको छुट्टी होती थी जी, तो हर संडे मैं उनका दिमाग खाने पहुँच जाता था उनके घर। ही इज़ रियली इंस्पायर्ड मी व्यक्तिगत रूप से, अगर मैं कहूँ फिल्म के लिए तो मिला उनसे, मैं फिल्म की वजह से ही मिला, जान पहचान तो फिल्म की वजह से भी, लेकिन आज मैं कह सकता हूँ बड़े गौरव से कि एक बड़े भाई मिले मुझे। वो बहुत इंस्पायरिंग है, वो और उनकी जो वाइफ हैं श्रद्धा जोशी जी, एंड दे आर एग्जाम्पल्स हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं आज उनकी कहानी हम लेके आ रहे हैं और आप देखेंगे क्यों है। और रहा सवाल बाथरूम धोने का, प्रिपरेशन जो है सर, बचपन में कपड़े भी धोए हैं, टॉयलेट भी धोया है,
बर्तन भी मांज हैं, झाड़ू पोछा सब कराया है मेरी माँ ने। हाँ बचपन से आप समझो इस रोल के लिए बचपन से तैयार सर। हमारे घर में यही होता था, हम सब एक वन बेडरूम हॉल में रहते थे, दो लोग बेड पे सोते थे, दो ज़मीन पे सोते थे, ऑल्टरनेट करते रहते थे, कभी कोई बेड पे कभी कोई ज़मीन पे। तो वो आत्मनिर्भर बनाना ना वो पहले से शुरुआत हो जाती है जहाँ से मैं आता हूँ वहाँ पे। तो और घर वालों ने ऐसा भी नहीं रखा कि अरे लड़के हैं तो नहीं करेंगे। तो मेरा भाई कभी बर्तन करता था तो मैं झाड़ू करता था, कभी वो डस्टिंग करता था तो मैं टॉयलेट धोता था। क्योंकि मेरी मम्मी एक टाइम पे वो जो कॉरपोरेट टिफिन नहीं होते हैं वो सुबह 4 बजे से उठ के टिफ़िन बनाने लग जाती थी, फिर शाम को बच्चों को ट्यूशन देती थी। तो वो सब अपनी अपनी तरफ से योगदान दे रहे थे कि सिचुएशन थोड़ी बेटर हो। और फिजिकली भी इस फिल्म के लिए बहुत तैयारी करनी पड़ी, वज़न काफ़ी घटाया जी, 8 से 9 किलो के बीच में वज़न घटाया, रंग गहरा करना पड़ा मुझे अपना। अब विधु विनोद चोपड़ा जी की फिल्म है, वो तो आर्टिफिशियल कुछ करते हैं नहीं, अब उनको अगर बॉम्ब ब्लास्ट भी करना होता है तो वो असली बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं। मिशन कश्मीर में देखा होगा आपने, तब लगभग 20 साल पहले की बात, तो सरसों का तेल लगा के चंबल में घर की छत पे बैठ गए, बड़े हीरो बन के गए, चलो यार जाएंगे। पहले ही दिन ना चमड़ी उतरने लगी, 40-45 डिग्री में बैठ गए, तो काफ़ी सीख मिली। बट इट्स ऑल वर्थ इट सर, वर्थ इट है, ये बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए। सर जैसे हम देखते हैं कि एक 12th जो कॉलेज स्टूडेंट की जो लाइफ होती है ट्रेन में चली जाती है, अगर उसके घर पे अगर सिचुएशन अगर ख़राब रही तो काम काज भी पढ़ाई के साथ करना पड़ता है, कितना आपको रिलेटेबल सब्जेक्ट ये बनाया? और आज जब आप 12th स्टैंडर्ड में थे, जब कॉलेज स्टूडेंट में थे, तो आपकी किस तरीके से वो लाइफ चली रही है उसके बारे में क्या कह रहा था? सर मैंने जैसे कहा कि मैंने 11वीं कक्षा में काम करना शुरू कर दिया, कुछ कारण थे उसके। जब मैं उतरता था घर से तो मेरे दोस्त मुझे ऐसे दिखते थे, अरे कहाँ जा रहा है? मैं काम पे जा रहा हूँ। अरे यार कहाँ खेल हमारे साथ? तो मन तो बहुत करता था कभी मैं भी उनके साथ खेलूँ। अब 16-17 की एज में तो आप खेलना ही चाहते हैं। बट आई एम वेरी हैप्पी, मुझे कोई कंप्लेंट्स नहीं। और इस फिल्म में भी आप देखेंगे तो वो रिलेटेबल था मेरे लिए। और शायद विनोद सर की लाइफ भी बहुत बहुत स्ट्रगल रहा है। आप अगर जानेंगे तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको। 45 साल हो गए उनका विनोद चोपड़ा 45 ईयर्स ऑफ बीबीसी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, फिल्म फेस्टिवल चल रहा है अभी भी, एक हफ्ता अभी और बाकी है। श्रीनगर से आते हैं, एक छोटा उदाहरण देता हूँ। सिनेमा में इतना शौक था उनको, वहाँ पे एक ही थिएटर हुआ करता था, जो उस थिएटर के ओनर थे वो उनको फ्री में सिनेमा देखने देते थे। यार ये बच्चा, इसके पास पैसे नहीं है, इसको मैं फ्री में पिक्चर देखने दूंगा। आज श्रीनगर के उसी थिएटर में विनोद विनोद चोपड़ा फेस्टिवल चल रहा है। ये उनकी भी कहानी है, ये मेरी भी कहानी है, ये आपकी भी कहानी है, ये हम सब की कहानी है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जीवन में जो आपको व्यक्तिगत रूप से ना इंस्पायर करते हैं, और विनोद चोपड़ा इज डेफिनेटली वन ऑफ दैम। आपको 10 साल हो गए इंडस्ट्री में जी, सबसे पहले उसके लिए बधाई, और आप पैन इंडिया एक्टर बन गए हैं, उसके लिए भी बधाई। तो उस बारे में क्या कहेंगे सर? क्या आपकी फिल्में हिंदी तमिल तेलुगु शायद फर्स्ट पहली फिल्म है जो मल्टी लैंग्वेज में, मल्टीलिंगुअल फिल्म है? देखते हैं सर, मतलब 10 साल हो गए हैं जी, बहुत ही कभी कभी तो विश्वास नहीं होता, ऑनेस्टली नहीं होता। क्योंकि जब टीवी करते थे तो तब सिर्फ सपना देखते थे कि फिल्म करेंगे, और जब कहीं ऐसा लगा कि नहीं यार फिल्में करनी चाहिए, तो फिल्म में जब आए तो कहते थे अरे टीवी एक्टर है तुमसे नहीं होगा। तो वो ऐसा लगता था कि हाँ शायद ये सच ही कह रहे हैं, बट देन वो एक सेल्फ बिलीफ तो था ही अपने अंदर। आज जब पीछे मुड़ के देखते हैं 10 साल को तो ऐसा लगता है कि जो भी है कोई तो है। मेरा मैं बहुत विश्वास करता हूँ कि ऊपर वाला, भगवान बोलो खुदा बोलो या जो भी बोलना है बोलो, वो कुछ तो है जिसने पूरे संसार को ना बांध रखा है, संभाल रहा है सब कुछ। पर अगर प्रैक्टिकल बात करें तो ऑडियंस है, वो मेरे लिए वो उनका एक ग्रुप ऑडियंस ही है। 20 साल से मेरा साथ दे रहे हैं, 10 साल उन्होंने मुझे टीवी में देखा, 10 साल से मुझे फिल्मों में देख रहे हैं। तो आई मीन आई एम ग्रेटफुल, मेरे को और जो भी मैंने ऊपर वाले से मांगा है ना मुझे उससे ज़्यादा ही दिया उसने। तो
आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर द लाइफ दैट आई हैव. अच्छी कहानियाँ बोलना चाहता हूँ. आज एक प्रिविलेज है, मैं बिल्कुल डिनाई नहीं करता हूँ. शायद 5-6 साल पहले नहीं था, आज लेकिन एक प्रिविलेज है. ये पोजीशन जो है उसको मैं कहीं ना कहीं आई वांट टू गिव इट बैक टू माय ऑडियंसेस. आई वांट टू रिप्रेजेंट द कॉमन मैन. आई वांट टू बी द वॉइस ऑफ द वॉइसलेस. एंड इट्स टाइम टू गिव देम बैक यार. जिनकी वजह से मेरा जीवन संभला है, आज कहीं ना कहीं उनकी आवाज़ बनने की कोशिश कर रहा हूँ. तो आपको लगा था ये जो पोजीशन आप इंजॉय कर रहे हैं ये इतने वक्त में ही अचीव कर लेंगे या ज़्यादा वक्त लग गया? नहीं सर, मेरे हिसाब से सब ठीक ठीक ही है. क्योंकि मैंने कभी भी, मुझे हमेशा से पता था, और ये हम सब के बाप दादाओं ने, बड़ों ने, बुजुर्गों ने कहा है ना कि सच्चाई का रास्ता लंबा होता है, सच्चाई का रास्ता लंबा होता है. तो वो पकड़ के चले गए आगे. और पता था ये, तो वो सफ़र में भी पता था. और सफ़र अभी भी चल रहा है, ख़त्म नहीं हुआ है. सफ़र तो शुरू हुआ है. इनफैक्ट अभी तो शुरुआत हुई है. ये पहली फिल्म है जैसे आप कह रहे हैं पैन इंडिया. उम्मीद है कि आजीवन ये चलता रहे. नहीं चलेगा तो देखिए, कोई ऐसे जान तो नहीं चली जाएगी. लेकिन वो पहले से ही पता था कि यू नो शॉर्टकट नहीं लेना है, लॉन्ग टर्म काम करना है, लॉन्ग लास्टिंग काम करना है. और हमसे पहले भी यार हजारों साल से लोगों ने कहा है कि सच्चाई का रास्ता जो है ना बेटा वो लंबा है. तो उसके लिए सक्षम रहना, तैयार रहना. तो किससे सीख ली थी आपने सच्चाई का रास्ता लंबा है? कौन था आपके जीवन में जिसने आपको ये? सर शुरुआत तो परिवार से ही होती है. परिवार में ही लोग होते हैं जो आपको इंस्पायर करते हैं, चाहे मम्मी हो, पापा हो, भाई हो, या कोई दूर दराज का रिश्तेदार होता है. तो इंडस्ट्री में अगर बात करें कोई है जिससे? सर इंडस्ट्री में अगर बात करें तो इरफान साहब से मैंने बहुत सीख ली सर. उन्होंने भी मतलब कितना संघर्ष किया अपने जीवन में. उनको भी लोगों ने कहीं ना कहीं उनके 40s में ही उनको वो रिस्पेक्ट दी जो वो डिजर्व करते थे. उन्होंने कितने साल थिएटर किया, वो कला तो उनके अंदर थी ही, लेकिन वो ऐसा तो नहीं है कि रातों रात कला उनमें आ गई थी. वो जब थिएटर करते थे तब से वो कला तो थी ना उनके अंदर, बस वो लोगों ने देर कर दी उसको समझने में. तो उन्होंने मुझे बहुत इंस्पायर किया है. और स्पोर्ट्स की दुनिया में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुझे इंस्पायर किया है. राहुल द्रविड़ एक हैं जिनसे मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ. कंसिस्टेंसी की जो एक क्वालिटी उनमें थी, वो मैंने हमेशा से सोचा कि यार कंसिस्टेंसी अगर हो तो उनके तरह हो. इरफान साहब हो गए, अटल बिहारी वाजपेयी जी जो हैं, उनकी कविताओं ने कहीं ना कहीं मुझ पे बहुत प्रभाव डाला है. APJ अब्दुल कलाम साहब जो हैं, कहीं ना कहीं उनका जो जीवन रहा है, अभी तो उनकी किताबें आ गई हैं, उन पर वेब सीरीज़ बन गई हैं, उन पर कितने चर्चाएँ चलती हैं, उनकी लाइफ ने कितना इंस्पायर किया है. महात्मा गांधी हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हैं. अब ये इन सारों को, इन सारे लोगों का जो मैं नाम ले रहा हूँ, उनको पॉलिटिशियन के नज़रिए से ना देखें. ये पॉलिटिशियन बने, बट वो जो उनकी पर्सनल क्वालिटीज़ थी, मैं उन क्वालिटीज़ की बात कर रहा हूँ. सो दीज आर द पीपल हु हैव इंस्पायर्ड मी. इवन यू नो आप कह सकते हैं कि आमिर खान हैज़ इंस्पायर्ड मी सो मच, वेरी मच इंस्पायर्ड. द काइंड ऑफ सिनेमा आई वॉन्ट टू डू इज़ इंस्पायर्ड बाई हिम. मैं भी चाहता हूँ कि यू नो जितना इम्पैक्ट उनके सिनेमा ने किया है, एक क्वालिटी को भी बैलेंस करके चले हैं वो, और यू नो इम्पैक्ट को जो लेके चले हैं, कहीं ना कहीं वैसा कुछ करना चाहता हूँ. सर अगर आपके सामने कोई यंगर वर्जन ऑफ विक्रम में से आता है एंड इवन वो 12 में फेल है, बट ऑल्सो ही वांट्स टू परस्यू करियर इन एक्टिंग लाइन, सो व्हाट एडवाइस और व्हाट डायरेक्शन यू कैन गिव हिम? आई वुड जस्ट से दैट यू नो हैव फेथ इन योरसेल्फ. एक चीज जो मेरे पास थी, जो ट्रेलर में भी जैसे मैंने कहा ना कि वो जज्बा है, वो एक जज्बा था. जेब में 40-50 रुपए होते थे, 4 रुपए का समोसा पाव खाते थे. और यस, तो वो एक सेल्फ बिलीफ होना बहुत ज़रूरी है सर. क्योंकि दुनिया तो बहुत बाद में आती है, पहले अगर आप खुद पे बिलीव नहीं करेंगे तो दुनिया क्या करेगी आप पर. तो सेल्फ बिलीफ होना बहुत ज़रूरी है. आई वुड टेल माई यंगर सेल्फ टू जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ एंड नॉट बी टू हार्श, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं थोड़ा हार्श भी था यू नो. क्योंकि कोई गाइडेंस नहीं थी, कोई गॉडफादर नहीं था, और सिनेमा से तो बहुत ही दूर थी. तो मैंने ना खुद ही को मतलब बड़ा, मैंने आई वॉज वेरी स्ट्रिक्ट विद माई सेल्फ. मतलब आई डोंट थिंक उतनी ज़रूरत थी, बट देन शायद अगर वो नहीं भी करता तो आज ये डिसिप्लिन नहीं आता लाइफ में. दूसरी चीज़ आपसे ये कहना चाहूँगा कि एज एन एक्टर
दो चीज़ें होती है, एक तो करियर भी परस्यू करना है, दूसरी चीज़ यू नो फाइनेंस को भी बैलेंस करके रखना है. सो हाउ डिड यू बैलेंस दिस बोथ थिंग्स, मतलब अपने काम भी मिलाना है एंड मतलब जो व्यापार होता है वो भी करना है. सो कैसे उन दोनों चीज़ों को आपने मैनेज किया? सर शुरुआत में तो मेरे घर वालों की गाइडेंस थी, मेरे फादर की, मदर की, सबकी गाइडेंस थी, मेरे बड़े भाई भी हैं उनकी भी गाइडेंस थी. और ये चीज़ की बहुत जल्दी रियलाइजेशन थी ना कि पैसा फेम, क्योंकि हुआ है वो देखा है वो, मैंने मेरे मैं उस वक्त पैदा नहीं हुआ था लेकिन फादर की लाइफ से मुझे पता है कि रातों रात जीवन बदल सकता है. तो कहते हैं ना कि टू सेव फॉर अ रेनी डे, वो आज भी वही नेचर है. एकदम रेगुलर मिडिल क्लास लाइफ है, इन्वेस्ट करते हैं, सेव करते हैं, खाना तो वही खाता है ना, पहनता भी वही है. तो पता है कि ये सब टेम्प्रेरी है और ये बहुत अच्छे से पता है ये टेम्प्रेरी है, तो उसकी तैयारी तो करके रखनी चाहिए सर. स्टार्टेड वेरी अर्ली राइट, तो यू नो लाइक फर्स्ट असाइनमेंट आपका सपना था, यू वांटेड टू एक्ट ऑन इट, तो फर्स्ट असाइनमेंट, बाद में मेजर टीवी सीरियल, देन फर्स्ट फिल्म, यू नो वो एक जो स्टेप्स है उसमें फीलिंग्स क्या थी, कैसे लगा रहा था? आई एम क्लाइंबिंग वेयर एवर आई वांट टू गो, और जो भी है. आई वाज वेरी हैप्पी ऑफ कोर्स, लाइक व्हेन फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन आई फेस्ड द कैमरा, इट वाज 19th ऑफ दिसंबर 2004. राइट, तो it was that must be very special. I remember the location also, I remember everything. celebrate karte sir us day ko ji to aa gaya right bilkul aaiye sir bilkul aaiye lekin camera wamera hata ke aana fir ha bas very celebrate karenge nahi but I do you're right I celebrate that mere liye bahut maine lagta hai wo din bhale hi main kaam karu lekin wo ek andar se wo din jo hai na wo sirf shukriya hi nikalta hai. And first film also, and these little milestones that you're talking about, na, wo acha lagta hai. But then also the thing is na, ki you don't want to sort of get overwhelmed by it, because hai to responsibility aapke upar, you know, 200 log jo hain ek unit mein kaam karte hain aur camera ke samne aap aake kaam karte hain, to unki mehnat ka bhi falsafa kahin na kahin aap se hi hai. You have wo sirf aap बिल्कुल, यू आर फोकस्ड ऑन योर वर्क, योर कैरेक्टर, वेर यू गो इन लाइफ, बट एट द सेम टाइम प्रोड्यूसर का पैसा लगा है यार, डिस्ट्रीब्यूटर का पैसा लगा है, 200 लोग जो यूनिट में काम कर रहे हैं उनकी भी जिम्मेदारी है, तो यू के नॉट गेट ओवरवेल्ड. अभी स्पोर्ट्स की अगर हम बात करें, और स्पोर्ट्स का मेरे जीवन पर बहुत प्रभाव रहा है, अगर क्रिकेट के वर्ल्ड कप चल रहा है तो क्रिकेट की बात करते हैं, अगर किसी खिलाड़ी को मौका मिलता है खेलने का, जाहिर सी बात है वो एक यू नो इट्स एन ओवरवेलमिंग मोमेंट, आप अपने परिवार के साथ इंजॉय करते हैं एक दिन या दो दिन, लेकिन तीसरे दिन तो आपको नेट्स पे जाकर तैयारी करनी पड़ती है. Correct. और 100 crore से ज़्यादा लोगों की आशाएं आप पे होती हैं, तो आपको अपने काम पे फोकस करना होता है सर. कर लिया दो दिन सेलिब्रेट, तीन दिन सेलिब्रेट, और तीसरे दिन काम पे तो आना ही पड़ता है. विक्रांत सर, जैसे दीपिका पादुकोण स्टार, उनके साथ पिक्चर साइन किया और उनके साथ काम किया, व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस लाइक, क्या क्या बहुत अच्छा, क्या क्या चल रहा था? पहले दो दिन जैसे मैंने काम करे, दो दिन बड़ा खुश रहा मैंने, यू नो सारे अखबारों में जो मेरी तस्वीर आई उनके साथ, वो काट के मैंने लैमिनेट करके लगाई, मेरी इतनी सारी फाइलें हैं घर पे, पता है मेरे घर वाले आज भी मतलब डिजिटल एज में आज भी वो जो पेपर में आता है उसको काट के रखते हैं, वो बड़े अजीब से हैं, क्यूट हैं वैसे. तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था सर. और बट देन अगेन बिकॉज मेरा माइंड सेट ऐसा है, तो बाई द सेकेंड और द थर्ड डे आई रियलाइज दैट आई हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी इन हैंड. I have to justify it, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट कहानी थी सर, एंड इट इज़ वन ऑफ द फिल्म्स आई एम एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ, क्योंकि वो भी रियल लाइफ लोगों पर आधारित थी और वो एक ऐसे कॉज के लिए थी जिनके बारे में अनफॉर्चुनेटली लोग आज भी सेंसिटिव नहीं हैं. इतनी संस्थाएँ बन गई हैं, इतनी फिल्में बन गई हैं, इतनी चर्चा हो गई, लेकिन आज भी लोग सेंसिटिव नहीं हैं उस चीज़ को. खैर कोई नहीं, तो अगर उस फिल्म की बात करें तो इट वाज अ ग्रेट मोमेंट फॉर मी टू कोलैबोरेट विद मेघना गुलजार आल्सो. गुलजार साहब के साथ एक ही लंच टेबल पे बैठना कितना बड़ा सौभाग्य है सर. आई वाज कमिंग टू दैट पार्ट. आई मीन दीज आर थिंग्स दैट यू कैन यू विल टेल योर ग्रैंडचिल्ड्रन. आई हैव बीन वेरी लकी आल्सो. व्हाई आई आस्क्ड यू, बिकॉज़
when you start, you know, these people are already huge stars, you know, yes. big names, you know, to get to work with them. तो क्या सीखने को मिलता है या क्या क्या चीज़ें होती है उनका स्वभाव जो भी हम लोगों ने कुछ डिसाइड किया था कि ऐसे ऐसे रहेगा तो वो नहीं है ना ऐसा तो कुछ सब प्री कंसीव नोशंस तो होते हैं यू नो कोई कोई भी भगवान श्री राम है नहीं सबके अंदर कुछ ना कुछ खामियां हैं ठीक है ह्यूमन बींग प्री कंसीव नोशंस होते हैं गलतियाँ होती हैं आपसे आप यू नो प्री कंसीव नोशंस की जो मैं बात कर रहा हूँ आई वॉज रियली सरप्राइज विद द अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क दैट दीपिका पुट क्योंकि वो प्रोस्थेटिक्स भी उनको लगाने थे यू विल नॉट बिलीव वी वुड शूट फॉर 12 आवर्स उनको 2.5 से 3 घंटे मेकअप लगाने में लगते थे आधे से पौना घंटा एक घंटा उनको मेकअप उतारने में लगता था तो इतनी तैयारी उन्होंने की ना तो मैं देख के हैरान हो जाता था कि मान लो सुबह 8 बजे हमें शॉट लेना है वो सुबह 4 बजे आती थी उनके लिए एक स्पेशल हमने कुर्सी बनाई थी जिसमें वो यू नो 140 या 150 डिग्री लेट पाती थी और उनका मेकअप चलता था और वो तब सोती थी वो नींद पूरी करती थी तब तो दीज पीपल इंस्पायर लाइक इवन मेघना गुजार लाइक शी इज सच अ हार्ड वर्किंग डायरेक्टर आई मीन एक तो टू बिगिन विद वॉन्टिंग टू टेल अ स्टोरी लाइक दैट रियलाइजिंग दैट इट माइट नॉट हैव अ कमर्शियल वैल्यू बट देन commercial or no commercial it is comes far more later the idea is to listen to the voice within and in no ko dekhe discipline faith bahut sari cheezon mein aapko seekh milti hai sir nowadays pan india karke naam ka trend bahut chal raha hai sir and bahut sari filme jo hindi bollywood se especially aaj ke achhi khasi you know box office pe dubedar kamai kar rahi hai so what expectation do you have from 12th film as it is you know releasing in pan india paisa सर मैं ना इतना सोचता नहीं हूँ ऑनेस्टली दिस इज अ वेरी स्पेशल सिर्फ 12th फेल की अगर हम बात करें और ये इसको 3 भाषाओं में डब करने की भी वजह थी क्योंकि डाउन साउथ अगर आप देखें तो सिविल सर्विसेज का बहुत अहम हिस्सा है कल्चर में लाइफ में हिंदी हार्टलैंड में तो है ही आप बिहार चले मैं कल बिहार में था पटना में था वहाँ पे एवरी सेकेंड होम aspires टू हैव अ सिविल सर्वेंट और डाउन साउथ भी ऐसा ही है तो कोशिश ये है कि फिल्म लोगों को पसंद आए और सिर्फ पैसा कमाना सक्सेस होना इज़ अ बाई प्रोडक्ट अब अगर चीज़ अच्छी होगी तो ही चलेगी ना तो हमें विश्वास है कि हमने एक बहुत अच्छी फिल्म बनाई है हमें विश्वास है कि वी मेड अ फिल्म विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विच इज़ वेरी रेलिवेंट एंड इफ पीपल कनेक्ट विद इट विल फाइंड इट्स वे जैसे कि सर अभी आपने मेंशन किया डाउन साउथ कर लिया सो इन 2022 बहुत सारी साउथ की फिल्में जो थी जो यू नो हिंदी बेल्ट में स्पेशली चल रही थी एंड इवन सो मेनी नॉर्थ इंडियन ऑडियंस कनेक्ट हो रही थी साउथ फिल्म से एंड 2023 में हमने दूसरा बदलाव देखा जहाँ पे हिंदी फिल्में अच्छी खासी चलने लगी जवान हो पठान हो यू नो ड्रीम गर्ल 2 हो और बहुत सारी फिल्में हैं सो किस तरीके की यू नो स्पेशल प्रिपरेशन आप कर रहे हो इसके लिए और किस तरीके का रिस्पांस आप एक्सपेक्ट कर रहे हो एंड व्हाट डू यू क्या आपका कहना है जो अभी बॉलीवुड में बैक हो रहा है उसके ऊपर आप इट्स अ ग्रेट टाइम सर इट इज़ अ ग्रेट ग्रेट टाइम एंड आई थिंक नॉट जस्ट फॉर एक्टर्स फॉर एवरीवन फॉर टेक्नीशियंस फॉर जर्नलिस्ट फॉर यू नो पब्लिकेशंस फॉर एवरीवन ये पूरा एक इकोसिस्टम है हम भी उसका एक छोटा हिस्सा है इट्स अ ग्रेट टाइम फॉर स्टोरी टेलिंग एंड ये इंडियन सिनेमा की जीत है 6-8 साल पहले तक और अगर सच कहें और अगर एकदम ब्लेटेंटली अगर सच कहें तो रीजनल सिनेमा को कहाँ प्लेटफॉर्म था आज आप OTT पे चले जाइए आपको रीजनल सिनेमा भी मिलेगा एंड ये कलेक्टिव विक्ट्री है इट इज़ अ कलेक्टिव विक्ट्री एंड वी शुड सी इट दैट वे बीच में बड़ा बड़ा चलन चला था इस बात का नॉर्थ वर्सेस साउथ ये वो और जब वो चल रहा था मुझे लाइक कि यार साल दो साल रुक जाओ सब ठीक हो जाएगा एंड दैट्स ट्रू आज हम साउथ की फिल्में भी सेलिब्रेट करते हैं आज हम नॉर्थ ईस्ट की फिल्में भी सेलिब्रेट करते हैं नॉर्थ ईस्ट की एक फिल्म थी मुझे नाम याद नहीं आ रहा है विच इज़ वन सो मेनी अवार्ड जो प्रियंका चोपड़ा ने प्रोड्यूस की थी
आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ दैट फिल्म, आई एम रियली सॉरी. तो इट इज अ विक्ट्री फॉर इंडियन सिनेमा एंड वी हैव टू सी इट एज़ सी इट. प्लीज़ आप लोग ये फिल्म जाके सिनेमा घरों में देखें. एंड 12th फेल इज कमिंग आउट ऑन द 27th ऑफ सितंबर ओनली इन सिनेमाज टू बिगिन विद. एंड प्लीज इस आई मीन जस्ट गो वॉच दिस फिल्म. आई थिंक इट्स अ वेरी स्पेशल फिल्म, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फिल्म. ये आपकी और मेरी कहानी है. आप एंटरटेन होंगे लेकिन साथ ही साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि इंस्पायर भी हों. आई जस्ट होप. यस 27th ऑफ अक्टूबर. यस 27th ऑफ अक्टूबर. चलो.